जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। शिक्षकों के 20,000 से अधिक पद खाली, 3 वर्षों से भर्ती नहीं। प्रदेश में नई सरकार के गठन और चयन बोर्ड के पुनर्गठन के बाद शिक्षक भर्ती में नहीं आई तेजी। आपको बता दें कि ये उत्तर प्रदेश से खबर है, प्रयागराज से। प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में 20,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली है। प्रदेश का ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जहां 2 से 5 शिक्षकों के पद खाली न हो। माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बना चयन बोर्ड मात्र पुरानी भर्तियों के रिजल्ट निकालने तक ही सीमित है। 2016 के बाद ये चयन बोर्ड से कोई नया पद घोषित नहीं किया गया है। प्रदेश में मार्च 2017 में नई सरकार के गठन और चयन बोर्ड के पुनर्गठन के बाद भी प्रक्रिया गति नहीं पकड़ पाई। चयन बोर्ड के अध्यक्ष सहित कोई अधिकारी यह बताने की स्थिति में नहीं है कि जिला विद्यालय निरीक्षकों की ओर से कितने पदों का अभियाचन भेजा गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पुनर्गठन के बाद से यहाँ से कोई भर्ती जारी नहीं हुई है। चयन बोर्ड के सचिव परीक्षा नियंत्रक कब भर्ती आएगी इसके बारे में कुछ बोलने से मना कर रहे हैं। बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार नए पदों के लिए चयन प्रक्रिया कब शुरू होगी कुछ भी नहीं बताते हैं। ऐसे में प्रदेश के लाखों की संख्या में बीएड बेरोजगार परेशान है कि वे क्या करें। 3 वर्ष से चयन बोर्ड से शिक्षकों के कोई पद विज्ञापित नहीं होने से शहर रहकर तैयारी कर रहे हैं। बीएड बेरोजगारों के यहाँ रहने का कोई मायने नहीं रह गया है। परीक्षार्थियों ने चयन बोर्ड से भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की है। संस्कृत और समित प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति का काम सौंपा। तो ये आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 20,000 पदों से ज़्यादा पदों पर खाली है। कभी भी भर्ती हो सकती है। देखने वाली बात होगी कि प्रशासन कब सुध लेता है। तो धन्यवाद। थैंक यू।